सभी लोग आ चुके हैं सभी लोग जुड़ चुके हैं क्या ओके okay. वॉइस आ रही है मेरी क्लियर देखो सेशन ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं क्विक इंफॉर्मेशन है अबाउट अबाउटमी uh, ये तो है ही बाकी उसमें क्या होने वाला है कब से होने वाला है और आ, मैं क्या कराने वाला हूँ उसमें वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे ओके तो फटाफट सभी लोग एक बारी शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएँ और उन्हें मैं बता पाऊँ कि आज के आ, पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ देखो कोर्स आ रहे हैं नए आपको पता है काफ़ी टाइम से आपको पता था कि लाइक अन पे मेरी क्लासेस आने वाली हैं बट कब से आने वाली हैं ये आपको नहीं पता था किस टाइप से आने वाली है ये नहीं पता था कोर्स किसके ऊपर आने वाला है ये नहीं पता था तो वो सारा डिस्कशन आज हम लोग कर लेंगे इस वीडियो में और आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद किसी वीडियो की जरूरत है तो इस वीडियो में वो सारी चीजें कर लेंगे जो वहां पर हम लोग करने वाले हैं एक दो दिन में जब से भी ठीक है तो फटाफट सभी लोग शेयर करेंगे एक बार एंड देन फिर मैं स्टार्ट करता हूँ और सब कुछ अगर वॉइस वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दो रेडी लिख के तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में अच्छा अब आपको थंबनेल देख के पता तो पड़ गया होगा सारी चीज़ें पता पड़ गई होंगी कि लाइक मेरी जो क्लासेस हैं वो वनकैडमी पर अब आने लगेंगी लेकिन कब से आने लगेंगी ये नहीं पता है आपको और किस टॉपिक पे आने लगेंगी वो नहीं पता है आपको हालांकि टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांट का कोई कोर्स है लेकिन एक कोर्स है दो कोर्स हैं कितने कोर्स हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज मैं कर रहा हूँ डिस्कस इस सेशन में या इस पर्टिकुलर सेशन में तो जो भी नए लोग हैं वो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जो पुराने लोग हैं वो लाइक एंड शेयर कर लेंगे और जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं वो देखेंगे लोगों को भी बताएंगे अगर आपको फायदा हुआ है चैनल से कपिल सर के माध्यम से मेरे माध्यम से या किसी भी माध्यम से अगर आपको फायदा पहुंचाया इस चैनल ने तो आप इसको जरूर फैलाएंगे वीडियो को भी और चैनल को भी ठीक है अब मैं थोड़े से कमेंट पढ़ता हूं फिर मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा क्या है एक तरह से डिस्कशन हो जाएगा हमारे बीच में वेलकम टू अन अकेडमी आपकी बिनाडमी इनकम्प्लीट था वेलकम डी आई किंग ओके सो डीआई से याद आया कि डी आई का भी बहुत बढ़िया चीज होने वाली है सर साउथ इंडियन बैंक में एज अ क्लर्क ज्वाइन करना सही रहेगा या नहीं आ, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग ओके okay. सो so, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छा अब जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं आई एम यशराज सिंह चौहान क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फैकल्टी हूं मैं एंड रीजनिंग भी पढ़ा लेता हूं थोड़ी बहुत या बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत से थोड़ा सा ऊपर है ना तो मेनली जो मेरा फोकस रहा है वो हमेशा से मेंस के ऊपर रहा है मैं आपको बताऊं चाहे मैं क्वांट पढ़ाऊँ या रीजनिंग मेरा फोकस हमेशा मेंस पे ही रहा है और मेंस ही मैं ज्यादातर क्लासेस लेता हूँ और आई थिंक इसीलिए भी जाना भी जाता हूँ और आई थिंक इसलिए आप लोग फ्री में मुझे फॉलो भी नहीं करते हैं सो so, ये एक थोड़ा सा मेरे लिए लूप होल है आप बोल सकते हैं कुछ भी ओके okay, सो so, बात कर लेते हैं हम लोग कोर्स की और कोर्स से पहले मैं आपको दिखा दूं अपनी प्रोफाइल जो मेरी अन प्रोफाइल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी क्योंकि अभी आप इधर देख रहे मिनट हैं डेज में क्योंकि अभी ये नी, नी, वैसे है तो ये पुरानी प्रोफाइल 2017 18 के अराउंड मैंने बनाई थी तो उसी को रिन्यू किया गया है एंड ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसकी लिंक आप उस लिंक से जाके अब डायरेक्टली अगर आप क्लिक करोगे तो शायद से हो सकता है एकेडमी ऐप पे चले जाओ उसे कॉपी कर लेना एंड देन ब्राउजर में ओपन करोगे तो मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी उसको फॉलो कर लेना ऐसा लिखा आना चाहिए आपके पास ठीक है और जो भी कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूं कब से आपको देखने लगेंगे वो सारे कोर्सेज आपको देखेंगे लेकिन अगर आपने मान के चलो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है भी प्लस का तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो है ना दोनों तरफ फायदा आपका भी फायदा मेरा भी फायदा सो so, ये वाला कोड यूज करके आपको उधर पे डिस्काउंट मिल सकता है जितना भी डिस्काउंट वहां पे चल रहा होगा ठीक है सो so, ये तो बात हो गई हमारी छोटी मोटी जो कि हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड है जितनी भी चीजें थी उससे रिलेटेड था ओके ना अब आ जाते हैं हम लोग अपने बैच के ऊपर मैं यहाँ जो बैच है या मैं बोल सकता हूँ जो कोर्सेज है वो टू कोर्सेज यहाँ पे मैं लॉन्च कर रहा हूँ सबसे पहले दोनों कोर्सेज के जो नाम है वो साइड बाय साइड में लिख देता हूँ और एक रहेगा मेरा यहाँ पे स्पेशल क्लास जिसे हम लोग जानते हैं फ्री क्लास के नाम से है ना स्पेशल फ्री क्लास जो होती है एक ये है जो कि सब लोग देख सकते हैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि स्पेशल क्लास में मैं क्या कराऊंगा तो सबसे पहले जो दो कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये दोनों के दोनों जो कोर्स हैं ये क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट सेवेंथ ऑफ मार्च से ओके यानी कि मंडे से ये वाला कोर्स भी और सेवन मार्च से ये भी ठीक है ये दोनों के दोनों कोर्स हमारे सेवेंथ ऑफ मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं ठीक है ओके ना अब बात कर लेते हैं कि सर वो दो कोर्स कौन से हैं तो पहले कोर्स का जो नाम है वो है सागा ऑफ अरेथमेटिक ठीक है और दूसरे कोर्स का जो नाम है वो है सागा ऑफ लॉजिकल डीआई ठीक है ये कोर्स दोनों के दोनों आपको कल से एक्टिव हो जाएंगे या बोल सकते हैं कि कल से आपको मेरे जो प्रोफाइल है उसके नीचे आपको ये कोर्सेज दिखने लगेंगे तो सीधा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाओ और फॉलो कर लो जिससे आपको वो नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे

टाइमिंग मैं बता सकता हूँ इसकी जो सागा ऑफ अर्थमेटिक की टाइमिंग है ये रहेगी दिन में बारह बजे और सागा ऑफ लॉजिकल डीआई की जो टाइमिंग है ये रहेगी फाइव पीएम ठीक है और दोनों के दोनों सेवेंथ से स्टार्ट है अब बात कर लेते हैं कि सागा कैसा है अब यहाँ पे ना मैं हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको हर एक चैप्टर बोले तो परसेंटेज से मैंने स्टार्ट किया है देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे -सी आई पढ़ेंगे पढ़ेंगे टाइम वर्क स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे ठीक है एंड सो ऑन ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अगर मैं रैंडमली कोई भी एक टॉपिक उठाऊँ लाइक टी एस डी में उठा लेता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस अब किसी भी टॉपिक का जो पहला सेशन होगा ना किसी भी टॉपिक का जो पहला सेशन होगा वो पहला सेशन होगा हमारा उसके बेसिक और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट ठीक है और इसमें क्वेश्चन भी होंगे मतलब बेसिक भी होगा, और उसके जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे टीएसडी उठाया टीएसडी के बाद इसका जो सेकंड वीडियो रहेगा या बोल सकते हैं सेकंड जो इसका डे रहेगा उसमें यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे एंड देन फिर डिफिकल्ट तो ये तो हो गया हमारा एक ओवरव्यू ठीक है लेकिन अगर मैं बताऊं तो टीएसडी स्पेसिफिकली अगर मैं टीएसडी की बात करूं ना तो इसमें आपको मिलेगा बेसिक एंड कॉन्सेप्ट आपको ट्रेन का कंसेप्ट एंड क्वेश्चन फिर मिलेगा आपको बोट एंड स्टीम का कंसेप्ट एंड क्वेश्चन फिर मिलेगा आपको रेस का कंसेप्ट एंड क्वेश्चन है ना और फिर रिलेटिव मोशन या जो भी ये सारी चीजें होती हैं ये क्यों होती हैं कब लगती हैं कहां लगती हैं क्यों लगाई जाती है ये ये सारी चीज है मतलब ट्रेन का कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन जितने भी ट्रेन के टाइप के क्वेश्चन होते हैं जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे इधर भी और इधर भी अच्छा अब यूनिक क्या है अर्थमेटिक तो बहुत पहले से पढ़ रहे हो अर्थमेटिक तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो यूनिक क्या है आपका बैच क्यों खरीदे हम लोग या आपके बैच से क्यों पढ़े हम लोग यूनिक मैं बता देता हूं इसमें यूनिकनेस क्या है यूनिकनेस ये है कि मैं कभी भी किसी भी फॉर्मुला या रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता हूं अगर आप लोग ने पहले से डीआई पढ़ी है मुझसे आर्थम पढ़ी है तो बहुत अच्छे से बखूबी जानते हो गए आप चीजें दिखती कैसे हैं एक्चुअल में जो रिलेटिव मोशन होता है वो कब होता है क्यों होता है मैं टी के ऊपर ही बात कर रहा हूं क्योंकि एक टॉपिक को मैंने जस्ट पिक कर लिया है ठीक है क्यों लगता है क्यों होती है ये सारी चीजें उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं इससे होगा क्या सर ऐसे सीखने से होगा क्या ऐसे सीखने से बताएं क्या फायदा होता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर हमने डिसऑनेस्ट डीलर वाला कंसेप्ट पढ़ तो लिया सर हमने टीएसडी का रिलेटिव मोशन वाला कंसेप्ट पढ़ तो लिया बट आफ्टर वन वीक और आफ्टर वन मंथ हम सर वो भूल रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमसे भूल जाते हैं वो कर नहीं पाते हैं तो वो भूलने की जो बीमारी है ना वो तुम्हारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी एक परसेंट भी वो बीमारी नहीं रहेगी इतनी चीज की गारंटी मैं देता हूं इतना मुझे पता है है ना समझ में आया क्लियर है तो ये हो गई कहानी तो ये हमने एक स्पेसिफिकली टॉपिक के बारे में बात करी ठीक है अच्छा अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे like सारी चीजें पढ़ेंगे तो अभी जो पहला सेगमेंट रहेगा इसका ये पहला सेगमेंट क्या है पहला सेगमेंट में हमारा आएगा परसेंटेज का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर एस आई एंड सी आई का चैप्टर अब ये तीनों चैप्टर जो है ना ये परसेंट से रिलेटेड एंड ठीक है फिर इसके बाद टाइम एंड वर्क का चैप्टर एंड देन इसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर ये पहला सेगमेंट होगा यानी तीन से चार वीडियो इसमें तीन से चार वीडियो इसमें तीन से चार मतलब डे मतलब इस तरह से हमारा ये चलेगा उसके बाद अभी खत्म नहीं होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक में सर हमने डिफिकल्ट लेबल के पढ़ लिए मॉडरेट पढ़ लिए एंड बेसिक वाले क्वेश्चन पढ़ लिए बेसिक वाले क्वेश्चन सर हमारे प्री के लिए काम में आ जाएंगे क्लैरिकल के लिए मॉडरेट वाले क्वेश्चन सर हमारे प्री एंड मीन्स के लिए काम आ जाएंगे अगर मीन्स की बात करें तो क्लैरिकल लेवल का मीन्स मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेता है और पीओ लेवल का जो एग्जाम होता है हमारा उसका प्रिलिम्स हमारा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देता है और बात करें अगर डिफिकल्ट की तो डिफिकल्ट में आपको फिलर वाले क्वेश्चन मिलेंगे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन सेटिस्फेक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे आपको डिफिकल्ट में मिलेंगे जो कि पीओ मेंस में आते हैं हो गई कहानी लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है लास्ट की जो तीन क्लास रहेंगी सेगमेंट के बाद उसमें मैं कराऊंगा डीएस इन पांच के पांच चैप्टर का फिर क्वांटिटी बेस्ड इन पांच के पांच चैप्टर का एंड आफ्टर डाउट सेशन ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स के भैया अब बता दो मुझे इस क्लास में कि क्या तुमको दिक्कत आ रही है कौन सा पोर्शन तुम्हारा धुंधला हो रहा है बोलो जल्दी से समझ में आ रहा है तो कुछ इस तरह से हम लोग चलेंगे कुछ इस तरह से अर्थमेटिक को पकड़ने की या पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे आफ्टर दिस अब इसमें पूरा हमारा एक महीना निकल जाएगा सात तारीख से अगर हम बात करें तो पूरी तीस तारीख तक हम लोग पहुंच जाएंगे फिर इसके 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 बाद बाद अलावा जो चैप्टर बचे मिक्सचर बचा प्रोबेबिलिटी बचा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बचा एवरेज बचा एज बचा या फिर बात करें नंबर सिस्टम एल वो सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे मतलब जो पोर्शन अर्थमेटिक में आता है वो सारा पोर्शन हम इसमें करेंगे बुझे तो डीएस क्वांटिटी बेस डाउट सेशन एंड बेसिक्स मॉडरेट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन फिलर क्वेश्चन जो भी चीजें तमाम जमाम जितनी भी आती है ना जितने भी तामझाम जो भी आते हैं अर्थमेटिक में वो सारे तामझाम हम लोग पढ़ लेंगे अब बताओ बुझे समझ में आ रहा है तो आई थिंक इस तरह से अगर आप पढ़ोगे अर्थमेटिक तो आई डोंट थिंक इसके बाद आपको जरूरत है अब सागा वर्ड का यूज़ करना क्या जरूरत है सागा भाई देखो पहली बात तो ये मुझे अच्छा लगता है वर्ड क्योंकि काफी ज्यादा मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं एंड सागा वर्ड इसलिए भी है क्योंकि इसमें पूरा ग्रंथ है अगर आप देखोगे तो अर्थमेटिक में इसके अलावा आपको कुछ चाहिए ही नहीं है, है ना इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए भाई ठीक है अच्छा अब बात कर लेते हैं कंटेंट की कि सर जो कंटेंट रहेगा वो कैसा रहेगा कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली जिस लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाता हूं हिंदी इंग्लिश मिक्स ही रहती है उसमें अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैं आपको ऑलरेडी इंग्लिश uh, में बताई देता हूं बाकी जो कंटेंट रहेगा वो हमारा इंग्लिश में रहेगा एंड देन उसके नीचे हमारा हिंदी में भी रहेगा ठीक है तो ये हो गई हमारी पहले कोर्स की बात जो कि सागा ऑफ अर्थमेटिक नाम से है जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उसको क्या करना है उसको ये वाला कोड यूज करना है ठीक है अब उसी दिन, उसी दिन डेट से हमारा एक और कोर्स लॉन्च हो रहा है उसका नाम है Saga of Di. सागा ऑफ लॉजिकल डी आई अब सिर्फ लॉजिकल डी होंगी तो सर फिर अर्थमेटिक बेस लॉजिकल डी कब कराओगे आप अगर सारी लॉजिकल डी इसमें करा दोगे अर्थमेटिक बेस लॉजिकल डी कब कराओगे आप तो उसके लिए देखो ये क्या है उसके लिए हमारे पास क्या है स्पेशल फ्री

वो डेवलप ही तो करना होती है अब लॉजिकल डीआई बार के फॉर्म में भी हो सकती है लॉजिकल डीआई हमारी आ, चा, पाई चार्ट्स के फॉर्म चार्ट में हो सकती है लाइन चार्ट के ऊपर हो हो सकती सकती है 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 वाटरफॉल जो बार ग्राफ बनता है, उसके फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकती है केसलेट में फॉर्म में हो सकती है टेबुलर फॉर्म में हो सकती है जितने भी पैटर्न है जितने भी टाइप है वो सारे के सारे हम लॉजिकल डीआई केस में पड़ेंगे बुझे तो ये हमारा रहेगा मेन्स के लिए और सर ये तो हमारा ये भी तो मेंस के लिए ही है फिर प्री के लिए तो आप कुछ पढ़ा ही नहीं क्यों नहीं है भाई बेसिक 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 जो है है वो तो तो प्री प्री में में ही आता है। बेसिक के बिना क्या कर सकते हो तुम तो? चाहे की की अगर मैं बेसिक की बात करूं तो तुमको पता होना चाहिए ना कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम बना है वो कैसा बना है अब बोल दिया जाता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो पाईआर स्क्वायर एच है भैया मुझे पता हो तो कैसे बना है या पाईआर स्क्वायर एच वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे ये फॉर्मले बनते कैसे रटे नहीं जाते हैं है ना जो आप लोग बोलते हो ना कि फॉर्म लेगी एक पूरी एपोर्ट शीट ले ली टेबल के साइड में चिपका दिया उसको और रट रहे हो नहीं रटना है कुछ भी ऐसे होती है सारी चीजें ठीक है क्लास स्टार्ट हो रही है ऑफ ऑफ मार्च मार्च से मास से ये वाला भी बैच स्टार्ट हो रहा है और ये वाला भी बैच स्टार्ट हो रहा है अभी के अभी वीडियो के बाद सीधा जाओगे तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे मिलेगी तुमको मेरी प्रोफाइल की लिंक उस प्रोफाइल की लिंक पे जाना उसको कॉपी कर लेना अगर डायरेक्टली रिडायरेक्ट नहीं होती है तो उसको कॉपी करके ब्राउजर में खोलना अपने चाहे मोबाइल में या फिर लैपटॉप में दोनों में खोलना आपकी ये मेरी प्रोफाइल आ जाएगी देन अगर की बात हो गए, सागा की बात हो गए, ये तो दोनों हो गई चीज हमारी वो जो कि प्लस वाले स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास सब्सक्रिप्शन है अब वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उनकी मैं बात कर लेता हूं हाल ही में अगर आप देखोगे तो अपकमिंग आपके एग्जाम है आरबीआई का

बात अगर लॉजिकल डीआई तो स्पेशल क्लास में मैं आपको लॉजिकल डीआई भी करा दूंगा अर्थमेटिक भी डीआई करा दूंगा और उसके अलावा डीएस भी हो जाएंगे हमारे उसके अलावा एलजेब्रिक वाले जो डीएस आते हैं ना जो मेंस में आते हैं वो भी मैं करा दूंगा तो स्पेशल में मैं आपको इतनी सारी चीजें दे सकता हूं बिकॉज इसका नाम स्पेशल है तो स्पेशल में कुछ स्पेशल चीजें दी जाती है ना दोस्त ओके okay, सर अभी कोर्स विजिबल हो गए ना अभी नहीं आपके जो ये दोनों जो कोर्स मैंने बताए हैं ये दोनों के दोनों कोर्स जो हैं वो कल विजिबल हो जाएंगे और कल से मेरी प्रोफाइल भी अभी देखो नई प्रोफाइल है ना अभी इसमें कोई भी कोर्स नहीं डला है वॉच मिनट जो है मेरे जीरो रखे हैं बिल्कुल तो इसमें आपको अभी सर्च करने से मेरा नाम नहीं मिलेगा दैट्स वाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया और ये चीज मैंने पेज इधर पे डाल दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में मुझे है ना ये फोटो है ये नाम है और कुछ इस तरह से आपको करना है मुझे सर्च या ढूंढना है ठीक है तो ये हो गई भाई पूरी कहानी अब इसके अलावा आपके कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हो जल्दी से फटाफट एनी वन ओके सर क्लास की ड्यूरेशन क्या रहेगी अब देखो क्लास की ड्यूरेशन की मैं बात बता दूं आपको ये वाली जो क्लास है ये वाली क्लास की ड्यूरेशन जो है ये आई थिंक 1.5 पॉइंट है एंड ये वाली क्लास की जो ड्यूरेशन है ये आई थिंक वन आर होगी ठीक है सो so ये वाली क्लास की ड्यूरेशन वन पॉइंट फाइव आर्स यानी कि बोल सकते हैं लाइक like डेढ़ घंटे की ये क्लास रहेगी जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड क्वेश्चन करेंगे ठीक है ठीक अब ये कोर्स बहुत लंबा चलेगा अगर आप बोलो के अगर सागा ऑफ डीआई अगर मैं बात करूंगा अगर इस डीआई के पोर्शन की या फिर मैं बात करूंगा इस अर्थमेटिक के पोर्शन की तो ये कोर्स लंबे चलने वाले हैं क्यों लंबे चलने, चलने वाले हैं अगर आप सोचोगे कि पंद्रह दिन में मैं अर्थमेटिक खत्म करा दूं करने वाले करते हैं कराने वाले करवाते हैं लेकिन वही चीज होगी ना आफ्टर फिफ्टीन डेज वो सारा का सारा आपका साफ हो जाएगा सब भूल जाओगे अगर आप सोचो कि मैं एक महीने में अर्थमेटिक करा दूं तो भी वही चीज आ जाएगी थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी जैसे ही आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी तो सर बोलने से आपके क्या होता है हमें तो पता है ना हम नहीं कर पाएंगे मुझे पता है तुमसे मैं करवा के रहूंगा अब मेरे ऊपर भरोसा है अपने ऊपर भरोसा है ये बता दो अपने ऊपर भरोसा है तो आ जाना पड़ने मेरे ऊपर भरोसा है तो भी आना पड़ेगा पढ़ने हम्म मुझे कोई दिक्कत आ, रीजनिंग 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 रीजनिंग, रीजनिंग अनकेडमी में देखो हो सकता है स्पेशल क्लास में मैं रीजनिंग डाल दूं बट आ, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है है ना बाकी मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में सारे अपडेट मिलते रहेंगे तो मैं वहां पे आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग रीजनिंग के रिगार्डिंग क्या कहानी है ओके तो ये रही भाई पूरी कहानी ये रहा हमारा सात तारीख से बैच जो स्टार्ट हो रहा है जो कि सागा ऑफ अर्थमेटिक है ये सात तारीख से स्टार्ट हो रहा है जो कि सागा ऑफ डीआई है दोनों की टाइमिंग मैंने बता दी अब बात कर लेते हैं स्पेशल की स्पेशल क्लास में भी हो सकता है मैं रात में ही डालूं क्योंकि ये दोनों क्लास होने के बाद मैं रात में डाल सकता हूं या कभी कभी मॉर्निंग में भी डाल सकता हूं बट जो भी टाइम रहेगा वो मेरा फिक्स रहेगा टाइम मैं फिक्स कर लूंगा उस टाइम को जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आप एक अपना स्लॉट तैयार कर लोगे कि हाँ इस टाइम पर एंसर की क्लास देखना होती है और इस टाइम पे एंसर की क्लास देखना होती है ठीक है टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट भी बिल्कुल दूंगा मैं हो सकता है कि यहाँ पे ये जो मैं बैच लूंगा इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस भी दे दूं मैं आपको है ना ये क्वेश्चन भी मैं दे सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपसे कुछ चीजें पूछ भी सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में या फिर कुछ उस हिसाब से एक बनाएंगे हम लोग सीक्वेंस जिससे सारा कुछ हो जाए अभी देखो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है अगर हम बात करें लेकिन फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा कुछ सीखा है मैं आपको बताऊँ कल और आज में मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं एंड uh, काफी अच्छे हैं एनअकेडमी टीम वाले काफी अच्छे से उन लोग ने मुझे चीजें सिखाई अब ऐसा नहीं है मैं उस कंपनी में हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ नहीं लिटरली आई एम संग सच में काफी सारी चीजें सीखने लायक थी उसमें काफी सारी चीजें सीखना जरूरी भी थी क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही सब कुछ बर्बाद हो जाए वो नहीं चाहता हूं मैं है ना फर्स्ट क्लास में भी ऐसा लगे कि नहीं कुछ हुआ है ओके ओके बुझे चलो तो ये हो गई कहानी ये स्पेशल की कहानी समझ में आ गई तुमको ये स्पेशल की कहानी हो गई प्री क्लास की कहानी हो गई स्पेशल में मैं क्या कराने वाला हूँ किस टाइप से कराने वाला हूं, ये कहानी हो गई बात करें अगर यहां की तो यहाँ की भी कहानी हो गई इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाकी इसके अलावा मैं करता हूं। सेशन डन खत्म बोले तो ओके आप लोग मुझे मेरे निक नाम से बुला रहे हैं क्या निक नेम बोले तो जिस नाम से जाना जाता हूँ सर ये डी मेंस के लिए है या प्री लॉजिकल डीआई की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा मेंस ओरिएंटेड है बैच सर अभी से मेंस क्यों पढ़ा रहे हो उसका रीजन मैं बता देता हूं अभी से मेंस क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि भाई मैं पागल नहीं हूं कि अभी से मेंस पढ़ा रहा हूं मैं बता रहा हूं जब आपका प्रिलिम्स निकल जाएगा ना उस प्रम्स के निकलने के बाद आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता है जिस समय में आप मीन्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सको समझ रहे हो सर लेकिन अभी तो प्रिलिम्स कोई आए ही नहीं है जिसमें लॉजिकल डी आती हो जिसके मीन्स में तो भाई जरूरी नहीं है कि जब आएगा हम तभी पढ़ेंगे जरूरी नहीं है हम अभी से पढ़ते चलेंगे ना हम अगर अभी से पढ़ते चलेंगे तो जब तक तो भाई कितना कुछ कर लेंगे हम ये भी तो सोचो ये भी तो सोचो है ना चलिए तो ये हो गई भाई पूरी कहानी खत्म आई थिंक आपको सारे लोगों को समझ में आ गया होगा अब मैं इसके बाद की कहानी बता दूं आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपली जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देन आपको वहां पे लिंक मिलेगी उसको कॉपी करना है देन ब्राउजर में खोल लेना अगर रिडायरेक्ट नहीं होती है डायरेक्टली उस पर क्लिक करने पर ब्राउजर पे खोल के आपको मेरी प्रोफाइल विजिबल हो जाएगी उसको फॉलो कर लेना और कल से यहाँ पे आपको बैचेस दिखने लग जाएंगे तो उसको आप लोग कल से देखना चालू कर दो इफ यू इफ इफ यू डोंट हैव एनी सब्सक्रिप्शन लाइक प्लस का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसे ले सकते हो मेरे कोर्सेज के अलावा और भी जितने कोर्सेज चल रहे हैं उसे भी आप देख सकते हो लेकिन यूज आपको करना है ये वाला कोड ठीक है चलिए सो यस गाइस वी कैन से अगेन इति सिद्धम कहानी खत्म मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में जब तक के लिए आप लोग ये सारी चीजें करो एंड फॉलो करो बाकी लोगों को भी बताओ जो लोग हैं हमसे जुड़े हैं काफी आपके टच में भी होंगे आपके ग्रुप्स में होंगे या आपके जानने वाले आपके दोस्त या जो भी हैं उनको बताओ कि सर की क्लासेस चालू हो रही हैं भाई और इस तरह का प्लान है ये छोटा सा एक वीडियो दिखा दो जो कि बीस मिनट का है तो उनको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह से क्लासेज हमारी चलने वाली है सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इसको एंड जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और जो पुराने लोग हैं वो लाइक भी करेंगे वो लाइक करेंगे जो नए लोग हैं वो भी लाइक करेंगे जो बहुत ज्यादा पुराने हैं वो शेयर लाइक एंड सब कुछ करेंगे तो कुल मिला के सब कुछ करना है तो मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में सीधे जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर ओके okay, सभी लोग ध्यान रखेंगे